Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. एक तरफ जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है. रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है. यहां एक नर्स बहन अपने भाई को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशी दिया करती थी और भाई उसमें एंटीबायोटिक भर के दलालों से बेच दिया करता था. रतलाम के GMC हॉस्पिटल की नर्स रेपर के साथ शीशी दिया करती थी और भाई उस शीशी में एंटीबायोटिक भरकर शीशी से मरीज का नाम मिटाकर उसे फिर से पैक कर देता था और उसे दलालों के हाथ बेच दिया करता था. इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में नर्स सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नर्स का भाई दलालों को 7,000 से लेकर 8,000 रुपए में शीशी बेचा करता था और दलाल 25,000 से 30,000 में इसे बाजार में बेच दिया करते थे. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से रतलाम के जीवांश हॉस्पिटल के डॉक्टर उत्सव नायक, डॉक्टर यशपाल सिंह, मेडिकल व्यवसायी प्रणव जोशी, मेडिकल कॉलेज की नर्स रीना प्रजापति, रीना का भाई पंकज प्रजापति, जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाले गोपाल मालवीय और रोहित मालवीय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आपको बताते चले कि पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल में देर रात दबिश देकर 2 डॉक्टरों को रंगे हाथ इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए दबोच लिया है. वह 30,000-30,000 रुपए में इंजेक्शन बेच रहे थे. पहले इस अस्पताल से उत्सव नायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद खुलासे होते गए और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताना चाहूँगा कि पुलिस को कल इस तरह की सूचना मिली थी कि यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है. इसमें एक पीड़ित व्यक्ति जिसके रिश्तेदार खुद कोरोना से जूझ रहे थे, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी. उन्होंने जब लोगों से संपर्क किया तो उसमें कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनको रेमडेसिविर इंजेक्शन 30,000 से 35,000 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए बात कही. फिर उस व्यक्ति ने जब मार्केट में पता किया तो उसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपये रहती हैं. इस बात को लेकर ये पुलिस से अप्रोच किया इन्होंने कि साहब इस तरह की कालाबाजारी यहाँ चल रही है, लेकिन ये लोग इतने पावरफुल हैं या ये कहा जाए पैसे वाले हैं, ये मेरा कुछ अहित कर सकते हैं. इसलिए उसने इस शर्त पर पुलिस को डिटेल शेयर किया कि उसका नाम नहीं आना चाहिए. इसके बाद पुलिस ने इसमें योजना बनाकर दबिश दी और उस व्यक्ति को जिसका नाम जो खुद का नाम उत्सव बता रहा है, उत्सव को इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया पुलिस ने. जो 30,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन इसको उपलब्ध कराने वाला था, उससे पूछताछ में उसने बताया कि उसका साथी यशपाल करके है, जो ये दोनों ही जीवांश हॉस्पिटल में जॉब करते हैं अभी, और वैसे ये दोनों BHMS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. जो उत्सव है वो सेकेंड ईयर में है, भोपाल से पढ़ाई पढ़ रहा है, और जो यशपाल है वो 5th ईयर BHMS का स्टूडेंट है, जो कि यहीं रतलाम से पढ़ाई कर रहा है. इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया विस्तृत, तो इनका कहना है कि साहब ये जो इंजेक्शन है ये इनके पास एक व्यक्ति जो कि प्रणव जोशी करके है, जो मूलतः मंदसौर का रहने वाला है और मेडिकल शॉप पर काम करता है, उसके माध्यम से इस तक पहुँचते थे. तो पुलिस ने जब जैसे ही इनको राउंड अप किया था पुलिस ने, उसके बाद से ही प्रणव का मोबाइल स्विच ऑफ था. इसके विभिन्न ठिकानों पुलिस ने दबिश दिया और अभी पुलिस ने इसको मंदसौर से राउंड अप किया है. अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी. बेसिकली इस पूरे अभी तक के प्रकरण में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, राउंड अप हुए हैं, इनसे पुलिस से विस्तृत पूछताछ करी. बेसिकली हमारा मोटिव इसके ओरिजिन सोर्स तक पहुँचना है कि आखिर ये माल इन तक कहाँ से आ रहा है. उस पूरी चेन को एक्सपोज करने में लगे हुए हम लोग. और इसमें बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, चूँकि ये ऐसा समय है जब लोगों को मानवता का परिचय देना चाहिए, उसमें इस तरह की जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 3 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं और जो भी लोग होंगे, जो व्यक्ति शामिल होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा.